अयोध्या शहर के देवकाली स्थित श्री शमन गार्डन में शुरू हुई फनलैंड प्रदर्शनी और मेला, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में तरह तरह के झूले, अयोध्या शहर में पहली बार इस प्रदर्शनी में टावर झूला आया है। बच्चों के झूले और रेस्टोरेंट्स और तरह तरह की क्रॉकरी की दुकानें और सौंदर्य की दुकानें उपलब्ध हैं। शहर के श्री शमन गार्डन देवकाली तराहे के पास चल रही फनलैंड प्रदर्शनी मेला लगभग 50 दिन चलेगी। ये प्रदर्शनी इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर शहर के सम्मानित लोग मौजूद रहे। मेले का जो शुभारंभ किसने किया और कितने दिवसीय जो है प्रदर्शनी जो है चलेगी और किस किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है? फनलैंड प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ हमेशा से नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी करते आए हुए हैं, तो जगह चेंज हुआ लेकिन उद्घाटन उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। विधायक जी ने उद्घाटन इसका किया है। ये प्रदर्शनी लगभग 50 दिन चलेगी और यह प्रदर्शनी देवकाली पे लगी हुई है। इसमें तरह तरह की दुकानें आई हैं और विशेष आकर्षण में इस बार नया झूला लाया गया है, टावर झूला, जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है आपके अयोध्या जिला में। और यहाँ पे महिलाओं के लिए सौंदर्यीकरण की दुकानें लगाई गई हैं, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, रेस्टोरेंट की सुविधा की गई, पार्किंग की हमारे ग्राउंड में उत्तम व्यवस्था है, प्लस बाहर भी पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। झूले इस बार झूले यहाँ पे बड़े झूले में जॉइंट व्हील लगा हुआ है, टोरा टोरा झूला लगा हुआ है, ब्रेक डांस लगा हुआ है, ड्रैगन झूला लगा हुआ है और टावर झूला लगा है, जो कि विशेष आकर्षण है फैजाबाद के लिए। विशेष आकर्षण है। कोविड के लिए बाहर व्यवस्था की जाएगी, सैनिटाइजर का प्रयोग करवाया जाएगा, मास्क लगवाया जाएगा सबको, बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। रेस्टोरेंट में कहाँ से किस किस तरह के खाने? रेस्टोरेंट हमारा और ही का रेस्टोरेंट है, इसमें खाने पीने के लिए चाउमीन, डोसा, टिकिया, मतलब सारा फास्ट फूड लगभग मिलेगा। पान बड़ा आकर्षण, सहारनपुर वाला वो जो पान वाला है वो फायर पान है, उसका पान एक बार आप भी खा के देखिए, हम मीडिया वालों से भी कहेंगे कि वो भी अपना पान एक बार खा के देखिए, पान बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे श्रावण मास का महीना? श्रावण मास के महीने में फैजाबाद वासियों को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारी प्रदर्शनी का लाभ उठाएँ और कार्यक्रम को भव्य बनाएँ।